तो कैसा लगेगा जब आपको 4.5 लाख रुपए आपने खर्च करके किस कारण से आपका एक्सीडेंट हो गया और 4 बार गाड़ी पलटने के बाद भी आपका 2 एयरबैग नहीं खुले, तो क्या करेंगे उस टाइम? तो यही जानिए इस वीडियो के साथ। तो कैसे हो, आपसे आई हो, आपसे मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं लेकर आया हूँ एक एक्सीडेंटल अल्टो VXI 2022 मॉडल। इस अल्टो का करीबन 3 बार पलटने के बाद और भारी एक्सीडेंट होने के बाद भी उस एयरबैग नहीं खुले, तो ये कितनी बड़ी बात होगी जब एक बंदा ऐसा सोचता है 4.5 लाख रुपये खर्च करता है ऐसे बढ़िया सी गाड़ी में, और वो सोचता है कभी हम एक्सीडेंट होगा, कभी कुछ होगा, तो सेफ्टी के नाम पर हमें 2 एयरबैग मिल रहे हैं, तो वो कभी ना कभी खुलेंगे और हमारी जान को बचा लेंगे। पर उसी बीच जब आपका एक्सीडेंट होकर सब कुछ हो जाता है आपके साथ और आप देखते हो हमारा एयरबैग बिल्कुल ना खुला गाड़ी का, तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा उस टाइम? ऐसी ही अल्टो है, मेरे पास एक वीडियो है जो कि मैं अप्ले करता हूँ, जो कि मेरे गांव के पास से एक अल्टो का भी लेटेस्ट एक्सीडेंट हुआ, तो मैं वीडियो बना कर लाया था, तो आपको यही बताने के लिए यार कितनी बड़ी एक्सीडेंट हो रही है, बहुत भी एक गाड़ी के 2 एयरबैग नहीं खुले और जो ड्राइवर था उसकी गंभीर हालत है। अगर उस टाइम अगर एयरबैग खुल जाते तो उसका कुछ भी नहीं होता, आप खुद वीडियो देख के देख लेना। तो हर बार मैं बात करता हूँ अल्टो की बिल्ड क्वालिटी की, तो हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण देखने के लिए मिल रहा है। तो ये अल्टो जो कि बोल रहे हैं कि 4 बार पलटी हुई है, बंदे को तो कुछ ना हुआ पर अल्टो को बहुत कुछ हो गया। तो ये है भाई बिल्ड क्वालिटी ऑफ मारुति सुजुकी, गाड़ी 3 बार पलटी है भाई। वॉक राउंड रिव्यू ये कुछ ऐसा, ये टायर वायर मुड़े हुए हैं, ये ओरियम टूट गया पीछे से, तो पूरी ठुक ढाक के पूरा सिस्टम ख़राब हो गया। तो देख लो भाई ये है अल्टो की बिल्ड क्वालिटी। अगर आप चाहें तो थोड़े बहुत पैसे और लगा अगर टाटा पंच खरीद लेते तो ये दिन ना देखना पड़ता। और आपने वीडियो देख ली होगी तो आपको देखकर पता चल जाएगा होगा कि मतलब कितना मतलब बुरा हुआ उस बंदे के साथ। कि मैंने खुद अच्छी तरह से वीडियो बनाने के बाद थोड़ा सा चलने के बाद वापस मेरे दिमाग में आ रहा है एयरबैग तो गाड़ी खुले ही नहीं, तो वापस मैं उस जगह करने गया उस टाइम वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे वो बनने नहीं दे रहे थे। तो मैंने जब चेक किया तो अल्टो की बेजिंग लगी हुई थी, एयरबैग की बेजिंग थी, मैंने अच्छी तरह से चेक किया और उस गाड़ी के एयरबैग नहीं खुले। मैंने उनको पूछा भी पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो आप देख सकते हो कितना मतलब मारुति सुजुकी वाला बिल्कुल बेकार प्रोडक्शन करते हैं अपनी गाड़ियों के साथ। तो इस आपने 4.5 लाख रुपये गाड़ी में खर्च किए, तो मेरी सलाह यही है कि आप थोड़े से पैसे इंक्रीज करके आप टाटा पंच ले लीजिए या फिर टाटा टियागो ले लीजिए। सबसे बेस्ट ऑफ द कार यही से सबसे बेस्ट कार मुझे टाटा की लगी, तो आप इसे परचेज कीजिए, सेफ्टी के नाम पर एक नंबर प्रोडक्शन है। तो यही वीडियो थी, वीडियो देखने के धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली तगड़ी तगड़ी वीडियो क्रिएटिव वीडियो और कुछ अलग आपको देखने के लिए इस चैनल पर मिलेगा। तो वीडियो को बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आने वाली मस्त मस्त वीडियो आपको बहुत सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले, और वीडियो को शेयर कीजिए जिससे जो भी बंदे अभी अल्टो को लेना चाहते हैं उनको एक बार मैसेज वगैरह पहुँच जाएगा। यार अल्टो ले तो रहे हैं पर उसके एयरबैग अगर नहीं खुले तो उनका क्या हालत होगा जब एक्सीडेंट हो जाएगा तब। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।